जसराना पुलिस ने लूटे मान चोरी करने वाले गिरोह के तीन शातिर अभियुक्त किए गिरफ्तार। पुलिस लाइन सभागार में एसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण सिंह ने वार्ता कर किया खुलासा। बरामदगी में जनपद के भिन्न स्थानों से लूटे मान चोरी का 4,73,000 सहित सोने चांदी के आभूषण व अन्य सामान बरामद। फिरोजाबाद थाना जसराना क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में दिन ब दिन बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर एसएसपी अशोक कुमार के निर्देशन में थाना जसराना पुलिस टीम ने लूटे मान चोरी करने वाले गिरोह के तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के साथ उनके कब्जे से जनपद के भिन्न भिन्न स्थानों से लूटे मान चोरी के कुल 4,73,000 रुपए, सोने चांदी के आभूषण, 12 गैस सिलेंडर, अन्य सामान व अवैध असलहमय कारतूस सहित बरामद किए गए। इस संबंध में पुलिस लाइन सभागार में हुई वार्ता के दौरान एसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जसराना थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में रखे सिलेंडर, गेहूं आदि की चोरियां तेजी से शुरू हो गई थीं, जिसको लेकर थाना प्रभारी जसराना फतेह बहादुर सिंह भदौरिया ने अपनी टीम संग तीन लोगों को माधव ढाबा एटा से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम जीतेश ठाकुर उर्फ कचरा उर्फ जेटू पुत्र राम निवास निवासी ईशेपुर नोरथा थाना सिकंदराव जनपद हाथरस धासू उर्फ रमाकांत पुत्र नरेश यादव निवासी नगला खुशहाल थाना जसराना, नीलेश यादव पुत्र जितेंद्र निवासी उस्मानपुर जसराना बताए गए, जिनके पास से बरामदगी में बैंक चोरी से 4,40,000 रुपए, अभियुक्त जीतेश के कब्जे से 30,000 रुपए, शराब के ठेके की चोरी से बरामद अभियुक्त नीलेश व जीतेश से एक सोने की अंगूठी व चांदी की पायल 3,000 रुपए, अभियुक्त नीलेश के कब्जे से 12 सिलेंडर जो विभिन्न स्कूलों से अभियुक्त गणों ने चोरी किए, 9 बोरी गेहूँ जो सरकारी स्कूलों से चोरी की गई, एक इन्वर्टर बैटरी, एक तमंचा 315 बोर, 2 कारतूस अभियुक्त नीलेश के कब्जे से, एक तमंचा 315 बोर, 2 कारतूस अभियुक्त जीतेश के कब्जे से बरामद किए गए। अन्य प्रकाश में आए अभियुक्तों की तलाश जारी है। आज जसराना थाना प्रभारी फतेह बहादुर भदौरिया और उनकी टीम के द्वारा बड़ा सराहनीय कार्य किया गया। इधर कुछ दिनों से सरकारी स्कूलों में उनके सिलेंडर और गेहूं वगैरह की चोरियां हो रही थी और काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गई थी, तो इन्होंने तीन लोगों को गिरफ्तार किया, धांसू नीलेश और जितेश। इनके कब्जे से 12 सिलेंडर, 9 क्विंटल गेहूं, और इन्होंने और भी तमाम स्कूलों के बारे में बताया है जहां से इनके द्वारा इस तरह की हरकतें की गई, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। सिकोहाबाद फरिया और सिरसागंज की तरफ भी इनके द्वारा कुछ घटनाएं बताई गई हैं। इसके साथ ही साथ ये लोग, तीन लोग और हैं जिसमें राजू और बबलू और मोहित, ये भी इनके साथ हैं जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इनके द्वारा बैंक में भी एक घटना कारित की गई थी जिसमें 4,73,000 रुपये बरामद हुए हैं। एक घटना लूट की और किए गए थे, उसमें भी कुछ बरामदगी है, और लूट की घटनाओं में भी ये पूर्व में, इसमें से एक लड़का जेल गया है, मैनपुरी से भी जेल गए हैं, अलीगढ़ से भी जेल गए हैं, और इस जनपद से भी पूर्व में जेल जा चुके हैं। ये सातिर गैंग है और इनका टारगेट रहता था कि हर तीसरे दिन एक घटना कारित करना है, और इनके द्वारा जो बताया गया है उस पर काम करते हुए आगे और सत्यापन करके कार्रवाई की जाएगी।